हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट इज केवीएल ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके सिक्स प्रॉब्लम्स किए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए यहां पे एक सर्किट दिया है और ये सर्किट में ए और बी पॉइंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, ए बी के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे, क्योंकि इसके पहले के प्रॉब्लम में भी इसी टाइप का सर्किट दिया था, लेकिन डिफरेंस बस ये था कि वहां पे रेक्टेंगुलर शेप दिया था, यहां पे ट्रायंगुलर शेप दिया है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पे हमने 6-7 वोल्टेजेस एक साथ सॉल्व किए थे, यहां पे सिर्फ एक ही वोल्टेज फाइंड आउट करना है, दैट इज VAB। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको यहां पे लूप करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे कितने लूप है, देखिए यहां पे दो लूप है, इधर का लूप और ये लूप, और ये दोनों लूप जो है वो एक ब्रांच के थ्रू कनेक्टेड है और यहां पे एक बैटरी दिया है। तो हम सबसे पहले लूप करंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये है लूप, हम ये लूप में जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हम कहेंगे दैट इज करंट I1, और ये लूप का करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे ये चॉइस आपकी है। तो चलो हम यहां पे करंट का डायरेक्शन जो है वो बैटरी के सिंबल के अकॉर्डिंग लेंगे। बैटरी में प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो हम यहां पे कन्वेंशनल करंट दैट इज प्लस टू माइनस शो करेंगे। तो ये हमने शो किया है दैट इज करंट I1, ठीक है। और ये जो लूप है, ये लूप में जो बैटरी दिया है उसका प्लस इधर है, माइनस ऊपर है, तो देखिए हम प्लस टू माइनस अगर हमें करंट शो करना है तो ये करंट इस तरह से हम शो करेंगे, ये करंट को हम नाम देंगे दैट इज करंट I2। तो ये देखिए फाइनली हमने लूप करंट जो है वो यहां पे शो कर लिया है, और अब हमें सबसे पहले ये लूप करंट फाइंड आउट करना है I1 I2। ये लूप करंट का डायरेक्शन क्या लेना ये पूरा चॉइस आपका है। आप क्लॉकवाइज देंगे तो भी आंसर वही आएगा, आप दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो भी वही आएगा, एक क्लॉकवाइज देंगे एक एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो भी वही आएगा, या बैटरी के साइन को देख के आप डायरेक्शन देंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो चलो फाइनली अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे और I1 I2 पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें लूप करंट I1 I2 मिल गया फिर हम आसानी से A और B के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो लूप 1 में हम सबसे पहले KVL अप्लाई करेंगे। तो लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे, ये जो लूप है ये ऐसा ट्रायंगुलर लूप है, हमें इसमें KVL अप्लाई करना है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और KVL अप्लाई करते समय यहां पे लूप में कितने एलिमेंट्स है वो सबसे पहले चेक कर लो। तो यहां लूप में 3 एलिमेंट्स है, एक बैटरी है और ये दो रेजिस्टेंस है। इट मींस जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें 3 टर्म्स आएंगे, और KVL का इक्वेशन बनाते समय आपको सिर्फ ये चेक करना है कि करंट वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर कर रहा है या माइनस से एंटर कर रहा है। अगर करंट वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम प्लस मिलेंगे, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में माइनस से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम माइनस मिलेंगे, ठीक है। काफी आसान है, जो इसके पहले भी हमने इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में यूज किए थे बिल्कुल वही टेक्निक का यूज हम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जो लूप करंट I1 है हम बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, बैटरी माइनस, बैटरी का माइनस इधर है इधर प्लस है, ठीक है। ये जो लूप करंट I1 है ये ऐसा क्लॉकवाइज है, और ये लूप करंट I1 ये जो बैटरी है बैटरी में कहां से एंटर कर रहा है, देखिए निगेटिव साइन से एंटर कर रहा है, इट मीन्स माइनस से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम माइनस मिलेंगे। तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ 12, क्योंकि माइनस से एंटर किया इसलिए माइनस ऑफ 12, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स है 1 ओम और 3 ओम, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। और अब ये हमने इसके अक्रॉस का वोल्टेज ले लिए, अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज ले लो क्या होगा, 1 × I1, तो हम लिखेंगे 1 × I1, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा दैट इज 3 × I1, तो हम लिखेंगे 3 × I1, ठीक है। KVL में हमेशा सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको ऐड करना होता है, बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे हमें I1 मिल जाएगा, ये 12 को उधर शिफ्ट करो, ये दोनों को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ I1 इक्वल्स टू 12। तो फाइनली I1 हमें मिल गया, कितना मिल गया, 3 एम्पियर। तो फाइनली हमें लूप करंट I1 हमें मिल गया, पहले लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और अब इसी टाइप का KVL जो है वो हमें लूप 2 में अप्लाई करना है। तो चलो अप्लाई करेंगे KVL इन लूप 2, हम यहां लिखेंगे अप्लाई KVL
इन लूप टू। लूप टू में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। लूप टू फिर से ट्रायंगुलर शेप में दिया है और केवीएल अप्लाई करते समय कितने एलिमेंट्स है उसमें चेक करो। देखो लूप टू में यहां पे फिर से थ्री एलिमेंट्स है, एक बैटरी है और यहां पे दो रेजिस्टेंस है। इट मीन जो इक्वेशन बनेगा उसमें थ्री टर्म्स आएंगी। तो चलो हम यहां पे लूप टू के जो करंट I2 है उसके अकॉर्डिंग हम यहां देखेंगे कि ये बैटरी में ये वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर करता है या माइनस से एंटर करता है। रूल के अकॉर्डिंग करंट अगर वोल्टेज सोर्स में माइनस से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू माइनस में लो, करंट अगर वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू प्लस में लो। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो ये करंट वोल्टेज सोर्स में ऐसा माइनस से एंटर कर रहा है क्योंकि ये करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, ये I2 ऐसा क्लॉकवाइज है और ये बैटरी में इधर माइनस से एंटर कर रहा है। देखो इधर ऐसे एंटर कर रहा है माइनस से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 30, ठीक है। और अब रिमेनिंग एलिमेंट्स प्लस में ही रहेंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा 3 इंटू I2, तो ये हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू I2, ठीक है। देन इसके अक्रॉस का वोल्टेज लेंगे 2 इंटू I2, तो हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू I2। इसको सॉल्व कर लो तो आसानी से आपको यहाँ I2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो 30 को उधर शिफ्ट करो और ये दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 5 ऑफ I2 इक्वल्स टू 30। 30 को 5 से डिवाइड करो तो I2 हमें मिल गया 6 एम्पियर। तो फाइनली लूप करंट I1 और I2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये जो हमने KVL यहाँ पे अप्लाई किए हैं, KVL अप्लाई करते समय हमने करंट वोल्टेज सोर्स में माइनस से एंटर करने पर वोल्टेज सोर्स का वैल्यू माइनस में लिए है, करंट वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर करने पर वोल्टेज सोर्स का वैल्यू प्लस में लिए है। ये जो मेथड है अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो भी आंसर वही आता है। वैसे केवीएल का जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने काफी डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताया है केवीएल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका करंट अप्लाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्लॉकवाइज कब लेना, एंटी क्लॉकवाइज कब लेना, प्लस सेंटर किए तो क्या होगा, माइनस सेंटर किए तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेज हमने उसमें बताए थे, तो वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे लूप करंट I1 I2 फाइंड आउट कर लिए लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या लिखा था देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है और सर्किट में ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, ये ए बी के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज वी ए बी। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, काफी सिंपल है, आपको सिर्फ ए से बी के तरफ ट्रेवल करना है क्योंकि आपको वोल्टेज बिटवीन ए बी चाहिए, तो ए से जर्नी स्टार्ट करो और बी पे आप कंप्लीट करो, ठीक है। ए से आपको जर्नी स्टार्ट करना है, आपको ट्रेवलिंग ए से स्टार्ट करना है, ए से चलते हुए आपको बी के तरफ जाना है, ठीक है, बस आपको इतना करना है, ए से बी के तरफ आप जाइए और यहां पे जितने भी वोल्टेजेस आएंगे उनका प्लस माइनस करते जाइए तो आपको वी ए बी मिल जाएगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए कौन सा ब्रांच है, ए से स्टार्ट करेंगे तो ये ब्रांच है जो ऐसा है, तो ये ब्रांच हम यहां पे आपको ड्रॉ करके बता देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। ये देखिए ऐसा है, ठीक है, ए से स्टार्ट किया है, ए पॉइंट नीचे में है, यहां ए से स्टार्ट किए है, ये कितना ओम का रेजिस्टेंस आया, 3 ओम का रेजिस्टेंस आया, ठीक है, ऐसे ऊपर गए, फिर यहां से इधर आए, ये एक ब्रांच, तो ये हमने इधर लगा और यहां पे क्या है, बैटरी है, तो बैटरी में प्लस माइनस ऐसा, ये देखिए प्लस माइनस और ये कितना वोल्ट है, 13 वोल्ट है, 13 वोल्ट, ठीक है, ऐसा नीचे आ गए। फिर यहां से ऊपर है तो फिर हम यहां से ऊपर गए, ये देखिए फिर यहां से ऊपर गए ऐसा, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम, और यहां पे हम बी तक पहुंच गए। देखिए ऐसा है, ए से हमने जर्नी स्टार्ट करना है, ए से बी तक हमें ऐसा पहुंचना है, ऐसा लिंक है, तो ये देखिए ऐसा इस तरह से। और अब हमें वी ए बी कैसे फाइंड आउट करना है जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्रांच है ये ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये ब्रांच में करंट आई वन फ्लो हो रहा है और ये करंट का डायरेक्शन क्या है जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो लूप है ये लूप में करंट है आई वन और ये लूप का करंट ऐसा है, देखिए ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है, इट मीन्स ये ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसा डाउनवर्ड है, ये देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है, ये है I1 जो कि ऐसा डाउनवर्ड है, ठीक है ना, इट मीन्स ये है वो करंट डाउनवर्ड, ऐसा क्या है वो करंट I1, ठीक है ऐसा। देन ये जो ब्रांच है ये ब्रांच को फिलहाल कुछ मत करो, ये ब्रांच एज इट इज रखो, ओके, और ये जो ब्रांच है ये ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ये ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I2 और इसका डायरेक्शन ऐसा ऊपर है, ये देखिए ऐसा, क्योंकि ये लूप का करंट I2 है और ये ऐसा फ्लो हो रहा है, देखिए ये ऐसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो ये ब्रांच में करंट ऐसा ऊपर फ्लो हो रहा है और उसका नाम क्या है I2 है, ठीक है,
तो अब हमें वीएबी कैसे फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान से देखिए। वीएबी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, तीनों ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज आपको प्लस माइनस करना है। तो ये कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, हमें ये ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, तीनों ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज हमें प्लस माइनस करना है। तो ए से जर्नी स्टार्ट करना है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे ए से। ए से हम ऊपर जाएंगे, तो अगर आप ए से ऊपर जा रहे हैं तो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो तो नीचे है, लेकिन आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज आप लेंगे माइनस में, तो ये होगा माइनस थ्री इंटू आई वन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमने क्या लिखे माइनस थ्री इंटू आई वन, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने माइनस में लिखे। माइनस में क्यों, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है लेकिन आप ए से ऊपर जा रहे हैं। जब आप ए के ऊपर जा रहे हैं तो आप करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से माइनस में। अब आप यहां से ऊपर पहुंच गए, इट मीन्स यहां से ऊपर पहुंच गए, अब आप यहां से नीचे आ रहे, इधर यहां से इधर आ रहे, इट मीन्स यहां से इधर आ रहे। जब आप यहां से इधर जा रहे तो बैटरी आ रही बीच में, देखो बीच में बैटरी है, और बैटरी में आप कहां से एंटर कर रहे हैं, प्लस से एंटर कर रहे हैं कि माइनस से एंटर कर रहे हैं। तो देखो पहले आप नीचे से ऊपर गए, अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जब आप नीचे आ रहे हैं तो ये बैटरी के प्लस से एंटर कर रहे हैं। देखिए इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, आप प्लस से एंटर कर रहे हैं। अगर प्लस से एंटर कर रहे हैं तो प्लस लिखो, तो ये होगा प्लस ऑफ 13, क्योंकि हमने जैसा आपको केवीएल अप्लाई करते समय रूल कहा था बिल्कुल वही रूल है कि प्लस से एंटर किए तो प्लस में, माइनस से एंटर किए तो माइनस में, बस वही रूल है। ये बैटरी में आप ऊपर से जब आप नीचे आ रहे तो बैटरी में आप प्लस से एंटर कर रहे हैं, इसलिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो प्लस में, तो हमने लिखे प्लस 13। ओके, और अब यहां से नीचे आने के बाद अब हमें यहां से ऊपर जाना है। ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर जाना है, इट मीन्स ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये देखिए करंट I2 जो है ये ब्रांच में ऊपर जा रहा है, ये ब्रांच का करंट I2 ऊपर जा रहा है और आप भी ऊपर जा रहे हैं। इट मीन्स करंट फ्लो जो डायरेक्शन में है उसी फ्लो में आप आगे जा रहे हैं। इट मीन्स इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो हम लेंगे तो प्लस में लेंगे, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना, 2 इंटू I2। ठीक है ना, 2 इंटू I2, तो हमें लिखना है प्लस 2 इंटू I2। तो काफी सिंपली हमने यहां पर ये इक्वेशन बना लिए हैं, बस यहां पर I1 I2 का वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो हमें VAB मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। हमें VAB फाइंड आउट करना है, तो जर्नी A से स्टार्ट करना था, A से हमें B तक पहुंचना था, तो बस करंट फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर करंट फ्लो के सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे तो आपको वोल्टेज प्लस में लेना है, करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे तो आपको वोल्टेज का वैल्यू माइनस लेना है। ठीक है, और बैटरी में प्लस से एंटर किए तो प्लस, माइनस से एंटर किए तो माइनस। ठीक है, ए से जब हमने स्टार्ट किए तो ये करंट फ्लो के अपोजिट में गए तो वोल्टेज माइनस, फिर इधर बैटरी में प्लस से गए तो इसका वोल्टेज प्लस, देन यहां से ऊपर गए करंट फ्लो के सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इसका वोल्टेज प्लस। ठीक है, तो ये हमने यहां लिख दिया, बस I1 I2 का वैल्यू पुट करना है, तो हम यहां लिखेंगे माइनस 3 इंटू 3 प्लस 13 प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, तो ये होगा माइनस 9 प्लस 13 प्लस ये 12। ओके, और ये हो जाएगा फाइनली 16। तो फाइनली VAB हमें मिल गया, इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस AB, A और B के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, बिटवीन ए और बी, दैट इज 16 होल्ड का वोल्टेज हमें मिल गया, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही वोल्टेज फाइंड आउट करना था वीएबी, और जैसा हमने कहा था कि इसके पहले के वीडियो में हमने इसी टाइप का प्रॉब्लम लिए हैं जहां पे हमने 5-6 वोल्टेजेस एक साथ सॉल्व किए थे, तो वो प्रॉब्लम भी आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आपका जो भी डाउट है वो उसमें क्लियर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमने ये जो प्रॉब्लम कंप्लीट किए, ये था केवीएल का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स किए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।